फन होता है जब इतने सारे my peace bros, good afternoon from Banglore and welcome back to my YouTube channel Rolling Peace. 12 बज चुके हैं और यहाँ पे हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं. एक्चुअली 9 बजे उठे थे, होटल में चेकआउट कर लिया है और 2 घंटे से हम लोग मार्केट में यहाँ पे घूम रहे थे क्योंकि मेरा चश्मा कल जो टूट गया था लेकिन इंस्टेंटली कोई बना के दे नहीं रहा था, यहाँ पे बन जाएगा. और हाँ, ये राजाजी नगर की मेन स्ट्रीट है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है. तो आपको कुछ अगर शॉपिंग करना हो तो राजाजी नगर में सब कुछ मिल जाएगा. और दो चीजें मैंने लिए हैं, बहुत खर्चा कर लिया अभी 2 दिन में, बहुत खर्चा. और आप जो करते रहते हो ये बर्गर किंग क्या है, ये क्या फ्री में दिया क्या उन लोगों ने? बर्गर किंग ये भुक्खड़, ये दोनों भुक्खड़ लोग है, बहुत खाने में खर्चा उड़ाते है ये लोग. बाहर निकले हैं, खर्चा तो होगा, होते रहता है. चीचू ले, थैंक यू. बस बस बस, और हाँ जल्दी से निकलना है रामेश्वरम के लिए क्योंकि यहाँ से 680 किलोमीटर है रामेश्वरम. सो 10 या 12 घंटे का रूट दिखा रहा है गूगल पे. ध्यान में रखो. कॉप से तो मुझे एक्चुअली बताया कि ऑल ओवर बैंगलोर सिटी में 60 का स्पीड लिमिट है, पता नहीं वो तो आप, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को रुकाया और 1000 का चलान काटा. सो अगर आप आ रहे हो तो ध्यान में रखो, दैट्स इट. और अभी हम लोगों ने कनेक्ट किया है NICE बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे, उस पर 35 किलोमीटर जाना है और बाद में लेफ्ट लेके ओसो रोड से हम लोग रामेश्वरम की ओर जाएंगे. ठीक है, पीस. तो यहाँ पे लाइव टी और लाइव कॉफ़ी बना के दे रहे हैं ये लोग. होटल का नाम है होटल अन्नपूर्णा. यहाँ पे हम लोग टी कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुके थे, फ्रेशन अप होने के लिए रुके थे आफ्टर 180 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर सेलम के बाद. आई गेस 5 किलोमीटर्स है सेलम के बाद, 180 किलोमीटर्स का ड्राइव हो चुका है. रोड से एकदम मक्खन वाले थे लेकिन शाम हो रही है, बज रहे हैं 6:15. रुकते रुकते ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि व्यू सी ऐसे आ रहे हैं बीच में और अंधेरा होने की वजह से अभी व्यूज़ का अपडेट तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन रोड्स कैसे रहते हैं रामेश्वरम तक के वो आपको मैं अपडेट दूंगा. और 8 से 10 बजे के बीच में हम लोग डिनर करने के लिए रुकेंगे, वहाँ का अपडेट्स आपको दूंगा. सो स्टे ट्यून्ड. एंड वेदर की अगर बात करें तो वेदर बहुत ही प्लेजेंट है यहाँ पे. एज़ यू कैन सी
ब्लू सा पूरा एटमोसफियर बन रहा है और रोड्स भी काफ़ी मक्खन वाले स्मूथ है। मदुरई पहुंच चुके हैं और हम लोग अभी KFC में आए हैं, डिनर कर लेते हैं यहाँ पे ही। स्मोकी रेड चिकन स्ट्रिप्स, पॉपकॉर्न राइस बॉल, वेज जिंगर, वेज राइस, वेनिला ब्लू एंड वर्जिन मोजिटो। ये है अपना प्राइवेट वाला जो हम लोग अपने पोर्टेबल फ्रिज में कैरी कर रहे थे, क्रैनबेरी विथ आइस। यही हाल होता है जब इतने सारे भूखड़ जमा होते हैं एक जगह पे। तो गाइस अभी 11 बज चुके हैं, रामेश्वरम के लिए निकल ही जाते हैं। 200 किलोमीटर्स है रामेश्वरम यहाँ से, लेकिन 11-12 दिन में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन कवर करने हैं तो निकल जाते हैं। और हाँ, रास्ते की बात करो तो बेंगलोर से मदुरई रास्ते सो मक्खन, एकदम स्मूथ रोड्स है, मज़ा आ गया ड्राइव करने का। और आगे का जो रोड कैसा है वो अपडेट आपको रामेश्वरम पहुंच के देता हूँ। स्टे ट्यून, पीस ब्रो। चलो चलो जल्दी बैठ जाओ, चलो देवल कुमार जाने दो। तो बच चुका है एक और फाइनली वी बीन रीच टू रामेश्वरम। रास्ता काफ़ी स्मूथ था तो जल्दी पहुंच गए हम लोग। आई एक्सपेक्टेड कि 2 बज जाएंगे लेकिन 1 बजे ही पहुंच गए हम लोग। एंड लास्ट 50 किलोमीटर्स था वो 2-लेन रोड था, बाकी सब 4-लेन हाईवे था। लास्ट 50 किलोमीटर्स पे पेट्रोल पंप भी एक ही था एंड होटल्स वगैरह भी काफ़ी कम थे, सब कुछ बंद हो चुका था, मार्केट वॉज क्लोज्ड आउट एंड कुछ मतलब अवेलेबल था नहीं। सो अगर आप आ रहे हो नाइट में तो केयरफुली आओ, नाइट राइड या नाइट ड्राइव मत प्रीफर करना। गाड़ी थी तो हम लोग आ गए, वरना बाइक राइड होती तो मैं नहीं आता। और हाँ, बेंगलोर से रामेश्वरम पूरा रूट मुझे अंधेरे में दिख रहा था, दोनों तरफ पानी वाले मतलब कुछ बैक वाटर्स थे, लेक थे, पता नहीं क्या था, लेकिन आई एम डैम श्योर कि बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। सो दिन में ट्रैवल करने की ट्राई करो और सब फैसिलिटीज़ भी दिन में ही मिलेगी। एंड एज यू कैन सी ये पाम्बन ब्रिज है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन कल यहाँ पे वापस आएंगे। और हाँ, लेट हो गए तो आज इतने ड्रोन शॉट्स वगैरह आए नहीं, सो कल भर के ड्रोन शॉट डालूँगा मैं। दैट्स इट, विल सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रोलिंग विथ पीस ब्रो। और अभी होटल ढूंढते हैं, चेक इन करते हैं और सो जाते हैं। सुबह मैं आपको पूरा रामेश्वरम और धनुषकोड़ी दिखाऊंगा, ठीक है।